नमस्ते, कुमार जोशी रेस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। मंथली प्रिडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ मार्च फॉर टोरस लग्न, वृषभ लग्न के लिए, टोरस एसेंडेंट के लिए ये महीना कैसा रहे। देखिए, एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल किया है। जब आप ऐसे वीडियो देखते हैं तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। आपकी बहुत सारी कुंडलियाँ हैं, उसमें से लग्न कुंडली को रिकग्नाइज करिए। सबसे पहली कुंडली लग्न कुंडली होती और उसमें पहले घर में दो लिखा होगा। अगर पहले घर में दो लिखा है तो समझ जाइए दूसरी राशि आपका लग्न है और दूसरी राशि वृषभ। आप लोग गलती ये कर रहे हैं, आपकी कुंडली में जहां भी चंद्र लिखा है वहां दो लिखा है। चंद्र लिखा है तो वहां दो लिखा होगा, कहीं कोई भी आंकड़े होंगे, देखिए चंद्र लिखा होगा वहां दो लिखा होगा। इसके लिए आपकी वृषभ राशि है, लेकिन वृषभ लग्न के लिए ये चीज देखना पड़ता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये अगर वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज इसको यहीं स्टॉप कर दीजिएगा अगर आपका कोई दूसरा लग्न है तो। ये महीना देखिए आपके लिए एक्सपेंसिव टाइम है। आपके पीठ के पीछे यानी कि ये राजयोग है, बारवा शुक्र है, लग्नेश बारहवें में, आपके लिए आपके पीठ के पीछे यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई षड्यंत्र होता हुआ दिखाई देगा आपको। और ये बदनामी का पीरियड है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि गुरु जो आपका शुभ कारक है वो भी अष्टम में गया है मंगल केतु के साथ। आपके और आपके पत्नी के परिवार के बीच या पति के परिवार के बीच भी काफी तनाव भरा सिचुएशन 101% निर्माण होगा। राहु मंगल का अपोजिशन है, केतु मंगल का युति है और गुरु अष्टमेश अष्टम लग्नेश शुक्र बारह में, अष्टमेश अष्टम में, यानी कि सब गड़बड़ घोटाला है ये महीने में। एक्सपेंसिव टाइम। अभी हम इंतजार कर रहे हैं, देखिए सपोर्टिव भाग्य इस भाग्य में है। आपके भाग्य आपका बलवान बना हुआ है, लेकिन उसको सपोर्ट अभी तक गुरु का नहीं है। अप्रैल मई और जून के दौरान 30 मार्च के बाद गुरु मकर राशि में आएगा, आपका निजभंग राजयोग आपके भाग्य में बन रहा है, यानी मंगल भी आपके भाग्य में आ रहा है, यानी कि भाग्य के लिए 22 मार्च के बाद आपका भाग्य में उच्च का ग्रह आ रहा है, शनि मंगल की युति हो रही है और साथ में गुरु भी आगे बढ़ रहा है। यानी कि अप्रैल मई और जून के दौरान गुरु आपके कर्मस्थ भाग्य में आ जाएगा, बहुत लाभदायक रहेगा। लेकिन ये महीना जो मार्च महीना है, मार्च महीना आपके लिए बहुत केयरफुल रहने का समय है। देखिए पंचमेश आपका कर्मस्थान में है, यानी कि ये बहुत अच्छा चीज है, बुद्धि से मार्ग निकालते रहेंगे। धनस्थान पर गुरु के एस्पेक्ट से जितनी जरूरत है उतने पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन परिवार स्थान में आया हुआ राहु, आपके परिवार का पूरा जब परिवार जमा हो, आपका एकत्रित हो, देखिए ये लग्नेश बारह में है, शुक्र बारहवा स्थान में, यानी कि ये व्हीकल अगर आपके पास है, जनरली देखिए वृषभ और तुला और मीन लग्न है, ये तीन लग्न ऐसे हैं जो शुक्र वाले लग्न है, शुक्र जिसका ओनर है, वृषभ तुला का तो शुक्र स्वामी है और मीन लग्न में, मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, ये तीनों तीन के पास व्हीकल होते हैं। कहीं भी मैंने ज्यादातर देखा है कि शुक्र देखिए वृषभ तुला या मीन लग्न का जात घर में कोई ना कोई है, तो ये नसीब उसी का होता है, व्हीकल उसी के नसीब है, शुक्र माने व्हीकल। और शुक्र बारहवें में है इस बार आपका, यानी कि कोई भी औरत से बच के रहना चाहिए आपको। सप्तमेश मंगल अष्टम में है और केतु के साथ है, यानी कि ये सप्तमेश का अष्टम में जाना यानी कि वैवाहिक जीवन के पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होना। शुक्र जैसा ग्रह बारहवें स्थान में, यानी ये गुप्त संबंध बनाता है सप्तमेश के साथ केतु अष्टम में, मतलब ये बराबर नहीं है। लग्नेश बारहवें में यानी कि देखिए ये शुक्र शराब स्त्री इसके पीछे खर्च करवाता है, ब्यूटीफुल चीज के पीछे। अगर आपके पास व्हीकल है और आप बहुत लॉन्ग ड्राइव करते हैं तो बारहवा शुक्र है, थोड़े केयरफुल रहिएगा। बारहवा शुक्र अकेला राजयोग कारक होता है, बट आपके लिए ये बारहवा शुक्र लग्नेश बारहवें में, केयरफुल रहना अच्छा है। बारहवें में स्थान में शुक्र आने से लग्नेश आपको ये महीने में, अगर जो आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको लगता है बदनामी के चांसेस है तो उसको टालिएगा। डेफिनेटली शुक्र पर गुरु की आस्पेक्ट है, बट गुरु में भी शक्ति नहीं है, गुरु अष्टम स्थान में आपके, तो गुरु भी पावरलेस बना हुआ है। स्वगुरु होते भी मैं ये बोल रहा हूँ आपको अष्टम में, ये महीने में ज्यादा उम्मीद नहीं है। मैंने बताया आपको धनस्थान में राहु है, यानी कि आपके बोलने से आपके परिवार में कोई भी फीमेल कैरेक्टर है या आपकी पत्नी है, सप्तम में अष्टम में फीमेल शुक्र और धनस्थान में राहु, बोलने से किसी भी स्त्री के साथ माथा फोड़ी आप कर लेंगे, धनस्थान का राहु अच्छा नहीं है। देखिए 24 मार्च को अमावस है,
अमावस के दिन बहते जल में नारियल सितंबर महीना 23 सितंबर 2020 में राहु वृषभ राशि में आएगा लग्न में, फिर वो माया करेगा। अभी धन स्थान में है, अपने परिवार के लोगों के साथ विरोध करवाता ही रहेगा। ये आपके घर के लोग, यानी कि आपको चुप रहने का फायदा है। अगर देखिए जनरली आपके बोलने से बड़ा विवाद खड़ा होगा। मैं वृषभ लग्न वालों को देखिए कर्म स्थान में शनि की राशि की वजह से बड़े मेहनत से पैसा कमाते देखता हूँ। शनि प्रत शनि कर्म भाग्येश और कर्मेश एक ही ग्रह, शनि आपके लिए योग कारक है। आया हुआ भाग्य का शनि आपके लिए कहीं ना कहीं भाग्यशाली है, बट गुरु के सपोर्ट के बिगैर वो शनि कुछ ज्यादा नहीं कर सकेगा। गुरु का सपोर्ट उसको अप्रैल मई और जून से मिलेगा, तब तक इंतजार करिए गुरु का बदलने का। सूर्य कर्म स्थान में है। देखिए दोस्त हुआ जॉबलेस, ज्यादा उनके लिए संघर्ष का समय ही रहेगा। एक बात समझ लीजिएगा, 12वां शुक्र है, कोई दोस्तों के साथ पैसा वापरने के लिए, होटल इंडस्ट्री में मजा करने के लिए, जैसे होटल में ले जाएंगे दोस्त, खाना वाना खिलाएंगे, ये सब शुक्र 12वें स्थान में। 12वें स्थान में शुक्र, शुक्र का काम है मदिरा, व्यसन, वो सब शुक्र का उसमें आता है व्हीकल। तो ये सब मित्रों की कृपा रहेगी आप पर, और किसी के दूसरों के पैसे से भी आनंद प्रमोद करने के सामान मिल जाते हैं शुक्र 12वें में हो तभी। अभी सूर्य कर्म स्थान में है, ये एक अच्छी बात है ये महीने के लिए, पर्टिकुलरली 13 फरवरी से 13 मार्च तक सूर्य कर्मस्थान में। कर्मस्थान शनि का ही घर है, कर्मेश भाग्य में है। फॉरेन जो लोग ट्राई कर रहे हैं, देखिए जो लोग फॉरेन ट्राई कर रहे हैं उनके लिए देखिए कर्मेश कर्मस्थान से 12वें में आया। 9वां स्थान है, ये लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग का है, धर्मस्थान का है। कर्मेश का धर्मस्थान में आना कहीं ना कहीं से आने वाले 2.5 साल में ये फॉरेन ट्राई करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। लग्नेश 12 में है, जो फॉरेन में पिया के लिए ट्राई कर रहे हैं परमानेंट रेसिडेंसी के लिए, देखिए ये फॉरेन लैंड है, फॉरेन ये है, और 1, 2, 3, 4 फॉरेन लैंड ये है 12वां स्थान। ये हमारा घर है, ये फॉरेन का घर है 12वें स्थान में। लग्नेश अगर 12वें स्थान में जाता है तो इंसान का वास्तव्य फॉरेन में होता है, परदेश में ये सेटल हो जाता है। लग्नेश का भाग्य 12वें में जाना सेटल हो जाता है। अभी ये महीने में आपको एक केयरफुल रहना है, शुक्र जब तक 12वें में 29 फरवरी से 27 मार्च तक मेजर डिसीजन टालिएगा। कोई भी कोस्ट आप में फीमेल है उससे बच के रहिएगा, क्योंकि वो उससे ब्लेम आ सकता है, आरोप आ सकता है लग्नेश का 12वें स्थान में जाने का मतलब। और बाकी ऑन एन एवरेज देखिए तो अभी इंतजार करिएगा अप्रैल का, दिस इज एन एक्सपेंसिव टाइम, कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन लेंगे, व्हीकल के पीछे खर्च करेंगे। अगर आपके पास व्हीकल है कहीं ना कहीं उसके कोई ना कोई मेंटेनेंस में आपको खर्च करेंगे, सो ड्राइव केयरफुली। अगर व्हीकल है तो शांति से चलाइएगा। गुरु भी अष्टम में, मंगल राहु का अपोजिशन हुआ है आपके अष्टम स्थान पर और धन स्थान में, तो थोड़े केयरफुल रहने की जरूरत है। अब मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन के पहले 2-3 चीज बताता हूँ आपको। विवाह मुहूर्त के लिए देखिए तारीखें लिखी है हमने 3, 4, 8, 11, 12 एंड 19, ये तारीख सब कॉमन होती है वास्तु मुहूर्त 5, 6, 19, 21। अभी इस साल आपका वास्तु का हो सकता है, गुरु की एस्पेक्ट आपके चतुर्थ स्थान पर है, नवी दृष्टि, ये 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आपके चतुर्थ स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट नए घर लेने का योग बना रहा है। बड़े कर्ज करके टेंशन में घर के योग बनते हैं, तो वास्तु मुहूर्त का तारीख है 5, 6, 9, 5, 6, 19 और 21, ये 3 तारीख है आपके लिए, 4 तारीख। अभी इसमें से अगर जो हमारे को मुहूर्त देखने हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि इन दिनों में चंद्र 6, 8, 12 में है या नहीं। जैसे कि विवाह का, तो विवाह के लिए गुरु अच्छा नहीं है अभी आपका, तो इस साल मैं ज्यादा उम्मीद नहीं करता विवाह के लिए आपके। अप्रैल मई जून के टाइम गुरु भाग्य में आ जाएगा तो आपके लिए लाभदायक रहेगा, बट ये महीने का जो ये मुहूर्त है इसमें अगर जो कोई विवाह का योग करते हैं हम, अगर कोई पूछते हैं तो हम लोग यही देखते हैं कि इसका 3, 4, 8, 11, 12 और 19 के दिन चंद्र 6, 8 या 12 में लग्न से भी नहीं जा रहा है, ये भी हम देखते हैं। ये मुहूर्त की बात हो गई ये महीने के, मैंने बैड डेज मार्क किया है, देखिए इसको कहीं ना कहीं अगर आप कैलेंडर पे मार्क कर दे तो ज्यादा लाभदायक रहेगा। देखिए अगर आपका सिचुएशन अभी 8वां गुरु है तो ये सिचुएशन आपके परिवार और आपके पति या पत्नी के परिवार के बीच भी एक तनाव भरा सिचुएशन जरूर रहेगा। गुरु की आस्पेक्ट धन स्थान पे है, जितनी जरूरत है उतना पैसा आपको मिलता रहेगा, ये गुरु की कृपा है। ये शुक्र पर 12वें शुक्र पर गुरु की आस्पेक्ट भी, लेकिन शुक्र में मैंने बताया ऐसा गुरु में आपके शक्ति नहीं है। शुक्र 12वें स्थान में दिग्बल प्राप्त करता है, शुक्र जैसा ग्रह उसको बहुत ताकत मिलता है, मंगल जैसा ग्रह कर्म स्थान में
बहुत कुछ शक्ति मिलती है। शुक्र को 12वें स्थान में शक्ति मिलती है, वो उसका बहुत फेवरेट प्लेस है शुक्र का, बेडरूम 12th हाउस में। लग्नेश 12वें स्थान में गया मतलब आप अपने लिए शॉपिंग और उसमें पैसा खर्च करेंगे, परफ्यूम शॉपिंग, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, ये सब उसके पीछे खर्च होने वाला। तो केयरफुल रहिए रॉन्ग एक्सपेंसेस पे। ये तारीख मार्क करके रखिएगा, 29 फरवरी से 2 मार्च मैंने बैड डेज में मार्क किया है। देखिए इट्स एन एक्सपेंसिव डे, कहीं ना कहीं आप अपने हाथ से कवर खोदने ही वाले हैं ये महीने में। पर्टिकुलरली शुक्र जैसे ही 12वें में जाता है 29 फरवरी से 27 मार्च तक पूरे महीने, और उसमें से सबसे डिफिकल्ट टाइम है। जैसे शुक्र ग्रह था, ग्रह मैंने ज्यादातर देखा है स्टार्टिंग में ज्यादा अच्छा फल दे देता है, यानी 29 फरवरी से 2 मार्च बच के रहिएगा रॉन्ग डिसीजन। 3 मार्च से 5 मार्च अगर आप जो जॉबलेस है काफी आप ट्राई कर रहे हैं अपने काम धंधे के लिए, तो ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। 3, 4, 5 का दिन ये कहीं ना कहीं देखिए, जो 29 फरवरी से 2 मार्च में आप मिस्टेक करेंगे, मिस्टेक करने ही वाले हैं आप, केयरफुल रहिएगा, बहुत शांति से काम करिएगा। 3 मार्च से 5 मार्च उसको रेक्टिफिकेशन करने में आप वो दिन बिताएंगे। 6 मार्च से 8 मार्च हाथ में पैसा आना चाहिए, डेफिनेटली जाने के लिए पैसा आने वाला है, क्योंकि 12वें स्थान में शुक्र है, गुरु अष्टम स्थान में है, यानी कि आप लॉक नहीं कर सकते। और स्टूडेंट्स के लिए अप्रैल मई जून में थोड़ा रिलीफ है, बाकी ध्यान देने की जरूरत ज़्यादा है। 6 मार्च से 8 मार्च में आपके परिवार के साथ कुछ ना कुछ मिलन होगा आपका, और हो सकता है उसके लिए एक्सपेंसिव दिन साबित हो, आपको खर्च करने पड़े 6, 7, 8 मार्च को। 9 मार्च से 11 मार्च आपके पड़ोसी या भाई के लिए है, भाई के साथ का रिलेशंस को आप इम्प्रूव कर पाएंगे 9, 10, 11 को, और पड़ोसी के साथ भी कोई मीटिंग हो, जैसे एनुअल मीटिंग हो, ईयरली मीटिंग हो, उसमें कहीं ना कहीं 9, 10, 11 एक अच्छा दिन रहेगा। 12, 13 और 14 यू विल बी हैप्पी एट होम, आपके हाथ से शुभ कार्य होगा। देखिए 12वां शुक्र है लग्नेश 12वें में, यानी कि कोई ना कोई ट्रस्ट सेवा संस्था से आप हो सकता है इम्प्रेस हो लग्नेश 12वें में। ध्यान योग साधु समाधि जैसे सब्जेक्ट में जिसको इंटरेस्ट है उनके लिए ये महीना 29 फरवरी से 27 मार्च गोल्डन टाइम साबित होगा। देखिए दुनियादारी और आध्यात्मिक के नियम उल्टे हैं, अलग अलग। अगर आप आध्यात्म में चलते हैं तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। लग्नेश 12वें में आप कोई ट्रस्ट सेवा संस्था से जुड़ेंगे, काफी डोनेशन करेंगे, और ये टाइम में देखिए 12 मार्च से 14 मार्च यू विल बी हैप्पी, आपके हाथ से कुछ ना कुछ सामाजिक कल्याण का अच्छा काम हो जाएगा 12 मार्च से 14 मार्च में। इट विल बी हैप्पी डे, यू विल बी हैप्पी एट होम, मन में बहुत खुशी होगी, घर में आप खुद आनंद में होंगे 12, 13, 14 में। 15, 16, 17 और 18 ये वो टाइम है जो आपको आपके बच्चों के साथ गुजारना चाहिए, आप जिससे प्यार करते हैं उनके साथ गुजारना चाहिए। 15, 16, 17 और 18 के दिन कोई ना कोई नई आइडिया आएगी, अभी उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको अप्रैल का इंतजार करना है, क्योंकि गुरु तब तक सपोर्टिंग में नहीं है। अप्रैल मई जून में दोज आर जॉबलेस, उनके लिए जॉब के चांसेस अप्रैल मई जून में ज्यादा बढ़ रहे हैं। 19, 20 और 21 देखिए 15 से 18 मैंने बोला कोई ना कोई नई आइडिया भी आएगी आपको, 19, 20, 21 मैंने बैड डेज में मार्क किया है। ये देखिए 19, 20, 21 एंड एक्सपेंसिव डे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे आपके, हो सकता है मैटरनल अंकल से कोई संबंध अच्छे हो तो उसको आप और अजमा सकते हैं, कोई लोन कर्ज लेने का टाइम है 19, 20, 21 को, ये झगड़ा झगड़ी का टाइम है, सो इसको टालिएगा 19, 20, 21 को। 22 से 24 आप मैरिज लाइफ के लिए आपका अबाउट ये टाइम ठीक है। आप देखिए मंगल 8 फरवरी से 21 मार्च तक सप्तम अष्टम में गया और 7 में केतु है, मैंने बताया लग्नेश 12 में कोई ना कोई गुप्त संबंध बनने के योग है, केतु मतलब गुप्तता, सप्तमेश के साथ केतु मतलब गुप्त संबंध बनने के योग बनते हैं, यानी कि ये टाइम 22 मार्च से 24 मार्च तक का टाइम आपके लिए मैरिज लाइफ के लिए कहीं ऊपर उठने का टाइम है, स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का, आपके पति या पत्नी के साथ विचार करीब आने का टाइम है। और 25 से 27 मैंने बोला कि मैरिज लाइफ के लिए टेंशन दिन है, यानी कि अगर आप मैरिड है तो थोड़े केयरफुल रहिए, और इन दिनों में आपके और आपके पत्नी के परिवार के बीच भी थोड़ा आप तनाव महसूस करेंगे। 22 मार्च से देखिए मंगल आपके उच्च स्थान में जा रहा है भाग्य में, थोड़ा भाग्य को मददगार रहेगा, अप्रैल का इंतजार करिएगा, मार्च में कोई बहुत बड़ा अभी रॉन्ग डिसीजन लेने का ये महीना है,
तो केयरफुल लीजिएगा, केयरफुल रहिएगा, कोई रॉन्ग डिसीजन से अपने आप को बचा के रखिएगा। 28 मार्च से 31 मार्च कहीं ना कोई कोई ना कोई लक का लकी चांद आपके डोर पर दस्तखत देगा 101%। कोई ना कोई एक अच्छा समय का आप जो इंतजार कर रहे हैं वो टाइम आपको 3 महीने का टाइम अप्रैल में जिन फिर से गुरु वक्री होकर आपके अष्टम स्थान से ट्रैवल करेगा। अगर आपका एज ज्यादा है, क्योंकि एज ज्यादा यानी कि 40-45-50 से ज्यादा तो हेल्थ के लिए अष्टम स्थान का गुरु हेल्थ के इश्यू दे सकता है आपको। लग्नेश देखिए आपके 12वें में कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन जैसा भी चक्कर आपको आ सकता है। हेल्थ अगर आप उम्र अगर ज्यादा है तो हेल्थ के लिए केयरफुल रहने की जरूरत है। उम्र छोटी है तो बदनामी वाले काम से दूर रहने की कोशिश करिए। ड्रिंक्स वगैरह करते हैं तो उससे भी केयरफुल रहिएगा। देखिए वृषभ तुला और मूल मीन ये 3 हैप्पी लग्न है, यानी कि ये अपने निज आनंद के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि वो व्हीकल से खाना पीना अच्छा है जो भी कुछ कर सकते हैं। इसमें शुक्र 12वें स्थान में है, शुक्र लग्नेश है आपका, वो कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजन करवाएगा आपसे। 28 मार्च से 31 मार्च में आपके भाग्य के लिए सपोर्टिव रहेगा। अप्रैल मई और जून 3 महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्त हुआ स्टूडेंट उनको केयरफुल रहना है। अभी देखिए ये महीने में जो लोगों का शुक्र, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका शुक्र कन्या राशि का है, अभी देखिए ये महीने में चैत्री नवरात्रि भी 25 मार्च से 2 अप्रैल तक, और 25 मार्च से देखिए शुक्र अभी भी 28 मार्च को चेंज हो रहा है। मतलब दो माता जी की पूजा करने वाले जो लोग हैं, पूजा करते हैं जो लोग माता जी की, उनके लिए ये चैत्री नवरात्रि 25 मार्च से 2 अप्रैल चैत्री नवरात्रि है। नवरात्रि के दिन अगर आपका लग्नेश पंचम में हो, शुक्र जैसा ग्रह, जन्म की बात कर रहा हूँ, जैसे भी खराब है, जैसे उसको अशुभ है, नवमांश में नीच राशि का हुआ है, या नवमांश में वो कोई और ऐसे नक्षत्र का, अपने शत्रु नक्षत्र का है, आपके आपका लग्न देखे अभी नवमांश में कन्या राशि का है और नक्षत्र समझो ये जन्म का है, कोई भी ग्रह आपका शुक्र जैसा ग्रह अशुभ नवमांश में है, तो उसके लिए आपको कन्या भोजन करवाना चाहिए। 25 मार्च से 2 अप्रैल में छोटी छोटी कन्या जो 10-11 साल से छोटी पीरियड में नहीं आई, ऐसी 9 लड़कियों को घर पे बुलाओ, उनके पैर में तिलक करो, फोरहेड पे तिलक करो, और यथाशक्ति उनको गिफ्ट दे सके तो गिफ्ट करो। छोटी छोटी लड़कियां शुक्र कन्या शुक्र को बहुत प्रिय, शुक्र को बहुत प्रिय है कन्या, छोटी छोटी कन्याएं, इसका छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराइए और उनको यथाशक्ति सौभाग्य का वस्तु गिफ्ट करिए, यानी कि बिंदिया है, हाथ की चूड़िया है, नेल पॉलिश है, फिर डिस्टिक्स है, छोटे छोटे पर्सिस है, वो सब आप गिफ्ट कर सकते हैं। 25 मार्च से 2 अप्रैल जो लोग आध्यात्मिक है, आध्यात्मिकता की राह पे चलते हैं, लग्नेश 12 में 12वां स्थान है, वो ईश्वर का घर है। देखिए ये हमारा सर्जन यहाँ है, 1, 2, 3, 4, 5 हम जिसके बच्चे हैं वो यहाँ है, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि भगवान, और 1, 2, 3, 4 भगवान का घर। आपका लग्नेश भगवान के घर में गया, यानी कि आध्यात्मिकता की राह पे आप चलने वाले इंसान है, तो आपके लिए ये मंथ बहुत अच्छा साबित होगा। अदरवाइज दुनियादारी में है, अगर आप जैसे आध्यात्मिकता और दुनियादारी का फर्क अलग है, 4, 8 और 12 ये मोक्ष त्रिकोण है और ये लग्नेश आपका मोक्ष त्रिकोण में गया है, यानी कि कोई ना कोई मोक्ष मार्गी कार्य ये जरूर करवाएगा आपसे ये महीने में। शुक्र से रिलेटेड है, बदनामी से बच के रहिएगा, कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन लेंगे ही आप, उसके लिए भी केयरफुल रहिएगा। दिस इज द मंथ फॉर डोनेशन, ये दान देने का समय है। शनि आपके भाग्य में, देखिए गुरु जब तक अष्टम में है बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलेगा, अष्टमेश अष्टम में है, भाग्येश भाग्य में, बट जब तक गुरु का पॉजिटिवनेस नहीं मिलेगा तब तक आपका भाग्य के लिए आपको अप्रैल महीने का इंतजार करना है। ये महीना थोड़े केयरफुल रहिएगा, पर्टिकुलरली इन दिनों में आपको ज्यादा केयरफुल रहना है। बर्थ का शुक्र अगर जो आपको नेगेटिव लगता है अपना, तो कन्या भोजन कराइएगा 25 मार्च से 2 अप्रैल में। राहु सेकेंड हाउस में है, मैंने बोला ऐसा, विष्णु सहस्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाइएगा। 24 मार्च को अमावस है, अमावस के दिन बहते जल में नारियल को बहाइएगा। और मेरा ये वीडियो प्लीज मार्क कीजिएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू।